जीत ले हम सारी दुनिया, पीछे हमें अपने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि अनुकूलन क्या होता है, इसके कौन से चरण होते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक प्रयोग से करें? यहाँ अलग अलग तरह की शीशियां की बोतलें हैं, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार इत्यादि। जब आप इनमें पानी डालते हैं तो पानी के आकार को क्या होता है? पानी उस शीशी या बोतल का आकार ले लेता है। जब आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में नमक डालेंगे तो पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा? पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? धन्यवाद। जिस बर्तन में पानी डाला जाएगा, पानी उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जो रंग डाला जाएगा, पानी का रंग भी वही हो जाएगा, और जो चीज डाली जाएगी, पानी का स्वाद भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो, चाहे जो भी बदलाव हो, पानी उसके अनुकूल हो जाता है। हमें भी अपनी पहचान व अस्तित्व को खोए बिना परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए और उसके अनुकूल बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर आप कई भूमिकाएं निभाते हैं। छुट्टियों में जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तब आप वहां के लोगों से घुल मिल जाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं। आप अपने माता पिता की संतान हैं और स्कूल में आप एक विद्यार्थी भी हैं। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने जीवन की किसी नई भूमिका के लिए खुद को उसके अनुकूल बनाया था? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि नवीन ने बदलाव का सामना कैसे किया? हर साल नवीन अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों पर पिकनिक के लिए जाता है। आमतौर पर कुमार ही सारी व्यवस्था करता है, पर कुमार दूसरे शहर में रहने चला गया है। पिकनिक की तैयारियां करने का समय आ गया है। नवीन के दोस्त चाहते हैं कि इस साल वह सारी व्यवस्था करे। नवीन ने यह काम पहले कभी नहीं किया है। उसे क्या करना चाहिए? पहला, यह जिम्मेदारी लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरा, कुमार नहीं है इसलिए पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, इस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखकर स्वीकार करना चाहिए। क्या चार विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी न लेने से
या फिर कुमार की गैर मौजूदगी की वजह से पिकनिक न करने से वह एक अच्छा अवसर खो देगा। बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति। विनोद की स्कूल में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा गतिविधियों में 6 विकल्प दिए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी पहली और दूसरी पसंद बता सकते हैं। उन्हें गतिविधि चुनने का मौका दिया जाता है, पर विद्यार्थी को अपनी पसंद मिलेगी या नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी गतिविधि की मांग सबसे ज्यादा है, स्कूल में पर्याप्त सामग्री है या नहीं इत्यादि। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि विद्यार्थियों को अपनी पहली पसंद के अनुसार गतिविधि मिल जाए। विनोद क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले क्रिकेट पसंद किया, पर उसे वॉलीबॉल मिला। इस बात से वह हताश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बिना किसी उत्साह के वॉलीबॉल खेलना चाहिए। दूसरा, वॉलीबॉल में अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। तीसरा, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। बिना उत्साह के वॉलीबॉल खेलना या फिर किसी गतिविधि में भाग ना लेना, ऐसा करने से विनोद को कुछ भी हासिल नहीं होगा। विनोद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करके नए क्षेत्र में अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। मन लगाकर वॉलीबॉल खेलने से इस खेल में उसकी योग्यता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ वह शारीरिक रूप से सशक्त और स्फूर्तीला भी बना रहेगा, जो कि किसी भी खेल के लिए आवश्यक है। रोज स्कूल खत्म होने के बाद और छुट्टी के दिन तो वह क्रिकेट खेल ही सकता है और क्रिकेटर बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। राजीव के पड़ोस में दशहरा का भव्य आयोजन होने वाला है। बच्चों के लिए खेल आयोजित करने की जिम्मेदारी राजीव को दी गई है। राजीव को इसका कोई अनुभव नहीं है। उसे आयोजन समिति के सदस्यों से क्या कहना चाहिए? क्या कोई 3 विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। कोई भी भूमिका या जिम्मेदारी लेकर क्या आपने कभी बदलाव का सामना किया है? जैसे कि विद्यार्थियों से पिकनिक के पैसे लेकर जमा करना, स्कूल में किसी समारोह का आयोजन करने में मदद करना, किसी दूसरे शहर या कस्बे में अकेले जाना इत्यादि। क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि नवीन क्या कर रहा है। नवीन ने पिकनिक की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। उसने उन जगहों की सूची बनाई जहां वे जा सकते हैं। फिर उसने दोस्तों के साथ अपनी योजना के बारे में चर्चा की। जिन जगहों पर वे जाने वाले थे वहां उसने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। जैसे कि तय हुआ था, वे अपनी यात्रा पर निकल गए। पहले 2 दिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और दोस्तों ने नवीन की सराहना की। तीसरे दिन वे रोबिन होटल में ठहरने वाले थे। जब वे वहां पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि किसी शादी की वजह से उनके 15 कमरे भरे हुए हैं और उन्हें 2 कमरे और चाहिए, इसलिए अब वह नवीन और उसके दोस्तों को कमरा नहीं दे सकता। मैनेजर ने उनसे माफी मांगी। एक को छोड़कर बाकी सभी दोस्त
नवीन को भला बुरा कहने लगे। नवीन बहुत निराश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बैठकर रोना चाहिए। दूसरा, दोस्तों पर चिल्लाना चाहिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने ही उस पर दबाव डाला था। तीसरा, जिस दोस्त ने हमदर्दी दिखाई थी उसे अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या आप में से चार लोग आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को अपनी भावनाएं उस दोस्त को बतानी चाहिए जिसने उसके लिए हमदर्दी दिखाई थी। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। क्या हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करें? सुजाता एक प्रतिष्ठित स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसे पर्याप्त अंक नहीं मिले। उसे दूसरी स्कूल में दाखिला मिला जिसके लिए उसके अंक उपयुक्त थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियों को उस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। सुजाता को अपनी सहेलियों की बहुत याद आती थी। नए स्कूल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत निराश रहती थी। धीरे धीरे वह उदासीनता में डूबने लगी। उसे इस बात का एहसास था, पर वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सुजाता को क्या करना चाहिए? पहला, अपनी निराशा के बारे में उसे बताना चाहिए जिस पर वह विश्वास करती है। दूसरा, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, उदासीनता की आदत डाल लेनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ देना या उदासीनता की आदत डालना, ऐसा करने में कोई समझदारी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में लोगों को बदलाव का सामना करने में परेशानी होती है, क्योंकि वे खुद की भावनाओं को जान नहीं पाते। पर यहां हमने देखा कि सुजाता को अपनी स्थिति के बारे में पता था, फिर भी वह खुद को उदासीनता से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इस परिस्थिति में उसे दूसरों से मदद लेनी चाहिए जिन पर उसे विश्वास हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या करीबी दोस्त। ऐसा करने से ही वह अपनी मानसिक परेशानी को दूर कर पाएगी। इस बारे में दूसरों से बात करने से उसे राहत महसूस होगी। अंत में तो उसे खुद की मदद खुद ही करनी होगी, पर किसी समझदार व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने से वह इस बदलाव का सामना कर पाएगी। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपको कभी किसी बदलाव का सामना करने में परेशानी हुई है जिस वजह से आप निराश और उदास हो गए थे? ऐसी परिस्थिति में क्या आपने अपने करीबी मित्रों को इस बारे में बताया था? उस मित्र को अपनी भावनाएं बताकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें, पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक
या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक और भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि नवीन और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ जब वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। एक हमदर्द दोस्त को अपनी परेशानी और निराशा की भावनाएं बताने के बाद नवीन को अच्छा लग रहा था। उसने तय कर लिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसे क्या करना चाहिए? पहला, ठहरने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। दूसरा, दोस्तों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह अगले साल बेहतर व्यवस्था करेगा। तीसरा, इस परेशानी के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। परेशानी की माफी मांगने से या फिर अगले साल बेहतर व्यवस्था करने से यह समस्या हल नहीं होगी। इससे नवीन अपने दोस्तों का प्यार और विश्वास भी नहीं जीत पाएगा। समस्या को हल करने के लिए उसे पूरा मन लगाकर ठहरने की नई जगह ढूंढनी चाहिए। इस बात का आभास होने के बाद नवीन ने कुछ लॉज के फोन नंबर लिए और आखिर में ठहरने की व्यवस्था कर ही दी। जिन दोस्तों ने उसकी निंदा की थी, अब वे ही उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उनकी पिकनिक अच्छी तरह पूरी हुई। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपके घर में आम का एक पेड़ है। एक डाल पर पका हुआ आम है जो आपकी माँ को चाहिए। उस डाली की ऊंचाई आपकी ऊंचाई से दोगुना है और आपकी माँ ने कहा है कि उस पर पत्थर नहीं फेंकना है। आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। अगर आप ध्यान से और दृढ़ निश्चय से अपना काम करें तो आपको जो चाहिए आप हासिल कर ही लेंगे। जब हमारे सामने कोई परेशानी आए तो हमें डटे रहना चाहिए, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। वासवी की स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थी। उसने नृत्य के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था। नृत्य का अभ्यास करते समय वह गिर गई और उसकी एड़ी में मोच आ गई। वह नृत्य नहीं कर पा रही थी। नृत्य के कार्यक्रम में भाग न ले पाने की वजह से वह बहुत निराश थी। उसकी शिक्षिका ने उसे नाटक में एक भूमिका दी जिसमें ज्यादा हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पहले कभी नाटक में भाग नहीं लिया था। नाटक के अभ्यास के दौरान वह संवाद याद नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। वह सोच रही थी नाटक में भाग न ले। यह देखकर शिक्षिका ने तय किया कि वह वासवी से बात करेगी। आपको क्या लगता है, शिक्षिका ने वासवी से क्या कहा होगा? पहला, अगर तुम अभिनय नहीं कर सकती तो नाटक में भाग मत लो। दूसरा, तुम अगले वार्षिकोत्सव में नृत्य और नाटक में भाग ले सकती हो। तीसरा, थोड़ा सा और प्रयास करो, तुम यह कर सकती हो।
कठिनाई की वजह से कोई काम बीच में छोड़ देना या फिर अपने प्रयास को किसी और दिन के लिए टाल देना, ये तो बस बदलाव से बचने के तरीके हैं। दृढ़ता से डटे रहना यानी कि और मेहनत करना, केवल इससे ही बदलाव का सामना किया जा सकता है। इसीलिए शायद वास्पी की शिक्षिका ने भी उसे और मेहनत करने के लिए कहा होगा। किसी भी नए क्षेत्र में शुरुआत में तो कुछ दिक्कतें आती ही हैं। शिक्षिका ने उसे यह बताया होगा कि पहले तो सभी से गलतियां होती हैं, पर जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही अपने काम में निपुण होते हैं। उन्होंने वासवी को सलाह दी होगी कि अपनी गलतियों से उसे सबक सीखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वासवी प्रयास करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 50% है, पर वह प्रयास ही नहीं करेगी तो उसके सफल होने की संभावना 0% होगी। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कुछ हासिल किया है, जैसे कि लिखावट सुधारना, नया खेल सिखाना इत्यादि? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब एक प्रश्न है, नए फैशन के अनुसार कितने लोगों ने अपना तौर तरीका बदला है? कृपया अपने हाथ ऊपर करें। नए फैशन के अनुसार खुद को बदलने में क्या आपको परेशानी हुई? कृपया इसके कारण बताएं। धन्यवाद। तो हमने देखा कि फैशन को स्वीकार करने में हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबसे अलग और अजीब दिखेंगे, इसलिए जमाने के साथ चलना ही बेहतर लगता है। कभी कभी इसमें हमारे अस्तित्व का भी सवाल हो सकता है। हमें डर रहता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना और उसके अनुकूल होना आसान हो जाता है। हम इस बदलाव को पहले अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जब बाकी की बातें सामने आती हैं तो सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगता है। इसी तरह अगर हम हर एक बदलाव को सकारात्मक रूप से देखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का मूल तत्व है। आजीवन हमें शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन आते रहते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह भी हर पल बदलता रहता है। हमारे आसपास की परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन में कुछ अहम घटनाएं घटती हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ काम करते हैं, ये सब भी तो बदलाव ही दर्शाता है। इस बदलाव का सामना करने के लिए खुद की योग्यता बढ़ाने से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। मैं दोहराती हूं, अनुकूलन से विकास होता है, विकास से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। अब तक हमने चर्चा की कि बदलाव का सामना कैसे करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम सहन शक्ति, नई योग्यताएं या कौशल, विकास, बेहतर रिश्ते नाते। आने वाले परिवर्तन के अनुसार जब हम खुद को निरंतर
उसके अनुकूल बनाते रहते हैं तब हम जीवित रहने की कला सीख जाते हैं। जब हम चुनौतियों को पार कर लेते हैं तब हमारा बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सहन शक्ति दर्शाता है जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और हमें बदलाव का सामना करने की ताकत मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की योजना में बाधा आई और उसने इस चुनौती को पार किया जिससे उसे अपने दोस्तों से सराहना मिली। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपको किसी विषय में कम अंक मिले हैं, आपने कड़ी मेहनत की और अगली बार उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई मिलता जुलता अनुभव हुआ है? जरूरी नहीं है कि यह अंकों से ही संबंधित हो या किसी कौशल या योग्यता के बारे में भी हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। कृपया सबको अपने अनुभव के बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अनुकूलन के समय हमें कई अवसर मिलते हैं जिनसे हम नए विचार और कौशल सीख सकते हैं। अगर हम इनका अच्छी तरह प्रयोग करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे हमारे बौद्धिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, नवीन की परिस्थिति में हमने देखा कि जब उसे नई जिम्मेदारी दी गई तब उसने एक चुनौती और अवसर के तौर पर उसे स्वीकार किया और पूरा मन लगाकर काम किया। उसने सीखा कि पिकनिक की व्यवस्था कैसे की जाती है और योजना में कोई समस्या आ जाए तो उसे हल कैसे किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करें। किसी नए परिस्थिति में अनुकूलन के परिणाम स्वरूप क्या आपने कोई नया कौशल सीखा है? उदाहरण के लिए, कोई नया खेल खेलते समय या कोई नया पाठ पढ़ते समय क्या आप अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अनुकूलन की प्रक्रिया में हमें नए विचार और कौशल सीखने के कई अवसर मिलते हैं। अगर इन अवसरों का प्रयोग अच्छी तरह किया जाए तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा विकास होता है, हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हम लोगों के साथ रिश्ते बना पाते हैं। परिवर्तन से नए रिश्ते बनते हैं और अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुल मिल जाएं तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, नलिनी शादी में एक लड़की से मिली जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इससे उसे अंतरव्यक्तिक कौशल सीखने में मदद मिली। बस, ट्रेन या हवाई जहाज से किसी नई जगह जाते वक्त क्या आपने कोई दोस्त बनाए हैं? मतलब कि किसी नई परिस्थिति में अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें, पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक रहना चाहिए। तीसरा, निराशा की भावना को दूर करने के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से सहारा लेना चाहिए। चौथा, चुनौतियों को पार करने के लिए डटे रहना चाहिए। पांचवा, अपना ध्यान
लक्ष्य पर रखना चाहिए। अनुकूलन के सकारात्मक परिणाम, पहला सहन शक्ति, दूसरा नई योग्यताएं या कौशल, तीसरा विकास, चौथा बेहतर रिश्ते नाते। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।